इसमें मेरे लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्ति का मानवीयकरण। इतिहास के आइकन्स अक्सर वैसे ही रहते हैं, एक डायमेंशनल नेम्स या सिंबल्स, जिनकी ह्यूमैनिज्म हमारे ऊपर खोसी जाती है। लेकिन ये लोग निश्चित रूप से वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन लोगों को अक्सर असंभव परीक्षण और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन भर कई कठिनाइयों का सामना किया था। अल्लाह के रिवेलेशन यानी उनके जिंदगी में अल्लाह के प्रकट होने से पहले और बाद में भी। दोस्तों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके धार्मिक विश्वास क्या है और आप किस रिलीजन और कौन सी मान्यताओं को फॉलो करते हैं। यह किताब एक टाइमली ओवरव्यू देती है कि एक ऑफन यानी अनाथ कैसे मोहम्मद बने, कैसे इस्लाम के पैगंबर बन गए। जैसे कि कुरान में एक्सप्लेन है, इस्लाम के सेंट्रल रिलीजियस टेक्स्ट में एक्सप्लेन है कि कैसे मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर बन गए। तो आइए सुनते हैं दोस्तों। समरी में आपको पता चलेगा मोहम्मद को कैसे मध्य जीवन संकट यानी मिड लाइफ क्राइसिस का सामना करना पड़ा, धैर्य यानी पेशेंस की इम्पोर्टेंस, तथा कैसे इंटरवीन धर्म हमेशा पॉलिटिक्स से जूझता है। दोस्तों, मोहम्मद की कहानी अपने दादा द्वारा ली गई प्रतिज्ञा के साथ शुरू होती है। मोहम्मद की कहानी उनके जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी और ये बहुत शुरुआत से अनयूजुअल यानी असामान्य थी। मोहम्मद के दादा हाशिम कबीले के मुखिया थे जो कुरायश जनजाति के भीतर एक प्रमुख समूह था। उस समय के ये सबसे समृद्ध समुदायों में से एक था जो कि मक्का शहर को कंट्रोल करता था। उनका नाम अब्द अल मुतालिब था और जब वे एक जवान आदमी थे तभी उन्होंने ताजे पानी का एक झरना खोजा था जिसे जाजम कहा जाता था, जिसे कई लोग पवित्र मानते हैं। जनजाति के अन्य सदस्यों ने अब्द अल मुतालिब की खोज को लेकर ईर्ष्या करते हुए झरने पे सिर्फ उनका अधिकार होने के लिए चुनौती दी। इसलिए उन्हें समझाने के लिए कि वह ही सही मालिक है, अब्द अल मुतालिब ने शपथ ली कि अगर अल्लाह ने उन्हें 10 स्वस्थ बेटे दिए तो वह उनमें से एक को पानी के सोर्स के तट पर कुर्बान कर देंगे, क्योंकि भाग्य उनके साथ था। अब्द अल मुतालिब को 10 अद्भुत बेटे हुए और फिर उन्हें अपने शब्दों को रखने के लिए मजबूर किया गया। फैसला करने के लिए उसने ह्यूबल के पत्थर के पास हवा में 10 तीर चलाए। ह्यूबल एक मोनोलिथ यानी पत्थर था जो कुराइश के लिए पवित्र था। प्रत्येक तीर पर उनके एक एक बेटे का नाम लिखा हुआ था और जो तीर उस पत्थर के सबसे नजदीक गिरता और उस पर जिस बेटे का नाम लिखा होता उसी बेटे की कुर्बानी दी जानी थी। जब निर्णय लिया गया अब्द अल मुतालिब के पसंदीदा बेटा और मोहम्मद के भविष्य के पिता अब्दुल्ला को चुना गया। भारी दिल से अब्द अल मुतालिब ने अब्दुल्ला को बलिदान करने के लिए तैयार किया, लेकिन आदिवासी सदस्यों ने बीच में यह कहते हुए कदम रखा कि कोई और तरीका भी हो सकता है। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि अब्द अल मुतालिब को मदीना शहर की पुजारिन से बात करनी चाहिए जो कि काहिना नाम से जानी जाती थी। काहिना ने कहा कि अब्दुल्ला की जिंदगी को बचाया जा सकता है अगर इसके इक्विवेलेंट भेंट अल्लाह को पेश की जाए। अब्द अल मुतालिब को 2 तीर को चलाने का निर्देश दिया गया जिनमें से एक उसके पुत्र की तरफ था और दूसरा 10 ऊंटों की तरफ था। हर बार तीर उनके बेटे के विरुद्ध ही गिरता था क्योंकि भाग्य उनके साथ था, तो उन्हें एक और अतिरिक्त 10 ऊंटों की भेंट में वृद्धि यानी इजाफा करना पड़ता था। अंत में 10 एफर्ट्स के बाद अब्द अल मुतालिब अपने बेटे को बचाने में भाग्यशाली साबित हुए और इसलिए 100 ऊंटों का बलिदान दिया गया। इसके कुछ समय बाद अब्दुल्ला ने अमीना नाम की एक महिला से शादी की और उसी रात अमीना के पेट में मोहम्मद कॉन्सीव हो गए। लेकिन भाग्य ने एक और मोड़ लिया और अगले ही दिन मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला एक व्यापार अभियान पर चले गए और बाद में अज्ञात कारणों से मारे गए। मोहम्मद रेगिस्तान में पले बड़े लेकिन एक चमत्कार उन्हें फिर से मक्का शहर में वापस ले आया। कई परंपराओं में रहस्यवाद और आध्यात्मिकता गहराई से प्रकृति से जुड़ी हुई होती है दोस्तों, तो यह उचित था कि मोहम्मद ने अपने जिंदगी के शुरुआती वर्ष विशाल और खाली जंगली रेगिस्तान में बिताए थे। मोहम्मद मक्का शहर में पैदा हुए थे और हालांकि उनकी माँ अभी भी जीवित थी पर उस समय समाज में बिना पिता के बच्चों को ऑर्फन यानी अनाथ माना जाता था, तो मोहम्मद को भी अनाथ माना गया।
570 ईस्वी में हलीमा नाम की एक महिला मक्का में बोडुइन जनजाति से आई, जो कि रेगिस्तान में भटकने वाले लोगों में से एक थी। वह अमीर शहर के परिवारों के लिए एक वेट नर्स यानी दूध पिलाने वाली दाइमा के रूप में अपनी सेवाएं दिया करती थी, और परंपरागत रूल्स के अनुसार हर बच्चे को गांव में ले जाया जाता जहां उसे पाला जाता। हालांकि मोहम्मद की विधवा माता के पास उसे भुगतान करने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी हलीमा ने मोहम्मद को एक फॉस्टर चाइल्ड यानी गोद लिए हुए बच्चे के रूप में अपने साथ ले लिया। अंत में इस एक्ट ऑफ जेनरोसिटी यानी उदारता की इस कार्यवाही की वजह से हलीमा, जो कि सिर्फ एक दूध पिलाने वाली दाइमा थी, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हालांकि यह समय सूखे का था और हलीमा का शरीर बहुत वीक यानी दुर्बल हो गया था, फिर भी उसके ब्रेस्ट यानी स्तन में दूध एनगॉर्ज्ड यानी एकदम लबालब हो गए थे, और उसके परिवार और कैटल्स यानी मवेशियों भी मिलकर भारी मात्रा में डेरी प्रोड्यूस करने लगे। फिर 5 साल की उम्र में रेगिस्तान में 4-5 साल बिताने के बाद मोहम्मद को मक्का शहर में लौटने का विचार बनाने लगी उनकी माँ, और यकायक एक चमत्कार ने इस वापसी की शुरुआत की। मोहम्मद ने बताया कि 2 स्वर्गदूत आकाश से उतरे, उनकी छाती खोली और उनका दिल निकाला। दिल को वापस लौटाने और चेस्ट को टांके लगाने से पहले उन्होंने उस हार्ट को धोया और एक काले रंग का कण निकाला, जो कि शैतान का निशान था। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने ये सब देखा था जैसे कि वह अपने शरीर के बाहर खड़े हुए थे और ये सब देख रहे थे। हलीमा को जब यह किस्सा सुनाया गया तो वो बहुत डर गई कि मोहम्मद को कोई बुरा जिन्न, एक सुपर नेचुरल क्रिएचर अपने साथ ले गया था, तो डर के मारे वो जल्दी से उसे अपनी माँ के पास ले आई, जो कि मक्का में थी। वहां से एक फादरलेस बच्चे के रूप में मोहम्मद एक साधारण जीवन जीने लगे। वह मक्का के पेट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान समाज में एक भारी व्यक्ति के रूप में बड़े हुए, लेकिन ये सब बदल गया जब वे 40 साल के हुए। ईश्वर ने स्वयं को मोहम्मद के सामने प्रकट किया और उसको अपना पैगंबर यानी मैसेंजर कहा। दोस्तों, वेस्टर्न सोसाइटी में 40 का होना एक मिडलाइफ क्राइसिस जैसा है, एक स्पोर्ट्स कार का आ जाना और जिंदगी को एकदम नए सिरे से देखना चालू कर देना। मोहम्मद भी कुछ इससे अलग नहीं थे। अगर हम स्पोर्ट्स कार की बात छोड़ दें तो अपने 40वें जन्मदिन के बाद मोहम्मद को अल्लाह के मैसेंजर्स ने मक्का के बाहर हीरा पर्वत पर पहली बार विजिट किया। यह वर्ष 610 था, रमजान के महीने के दौरान का समय था। मोहम्मद माउंट हीरा पर रेगुलर जाते थे प्रार्थना और ध्यान लगाने के लिए, जो उनके कस्टम यानी परंपराओं का एक हिस्सा था। वह पहाड़ पर एक छोटी सी गुफा में थे और मेडिटेशन कर रहे थे कि अचानक अल्लाह के दूत यानी एंजल गैब्रियल उनके पास आए। मोहम्मद ने भागने की कोशिश की, यहां तक कि खुद को पहाड़ से कुदा देने का विचार भी उनके दिमाग में आया। मोहम्मद को लगा कि वह एकदम क्रेजी यानी पागल हो गए हैं, परंतु स्वर्गदूत उनके रास्ते में खड़ा हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद खुद एक परमेश्वर यानी अल्लाह के दूत हैं और उन्हें होली यानी पवित्र शब्दों को रिसाइट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान ने ब्लड क्लॉट यानी रक्त के एक थक्के से आदमी को बनाया है, जो अल्लाह की जबरदस्त शक्ति और उदारता को दर्शाता है। उन्होंने मोहम्मद को यह भी बताया कि अल्लाह के वर्ड्स पूरी मानव सभ्यता को उस एक सच्चे अल्लाह के बारे में एडुकेट यानी शिक्षित करेंगे। जब मोहम्मद ने गैब्रियल के वर्ड्स को रिपीट किया तो एंजल यानी स्वर्गदूत गैब्रियल गायब हो गए। मोहम्मद इस इंसिडेंट के जस्ट बाद अपने घर की ओर भागे और अपनी पत्नी खादीजा से अपनी घबराहट साझा की। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मोहम्मद ने जो कुछ देखा था उसने उन्हें हिला दिया था। लेकिन दोस्तों, खादीजा को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि खादीजा ने ही मोहम्मद के डर को कम किया और उनके विश्वास को मजबूत किया। धीरे धीरे मोहम्मद ने खादीजा को बताया कि उन्होंने क्या अनुभव किया था, और जैसे ही यह अल्लाह के शब्दों को बोले, खादीजा ये देख पाई कैसे उनके शांत और साधारण से हस्बैंड एक गहन वक्ता के रूप में उभरने लगे। उनके मुंह से आने वाले शब्द, जो गैब्रियल दूत के शब्द थे, इस्लाम के पवित्र पाठ कुरान में लिखे गए पहले शब्दों में से हैं। खादीजा उस क्षण ही समझ गई थी कि उनका और उनके परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है, और उसके पति यानी मोहम्मद सारे लोगों के प्रॉफिट बनने वाले हैं। मोहम्मद के विश्वास का बहुत कष्टपूर्वक परीक्षण किया गया था, लेकिन वह हर चुनौती पे खरे उतरे। बहुत से लोग अल्लाह को ऐसे रूप में सोचते हैं जो सिर्फ दयालु और सुखदायक के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन मोहम्मद चिंतित थे कि भगवान डिमांडिंग
और टेम्परामेंटल यानी जिसे प्रेडिक्ट ना किया जा सके वो भी है। आप वास्तव में इस तरह से महसूस करने के लिए मोहम्मद को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अल्लाह के पहले रेवलेशन यानी रहस्य उद्घाटन के बाद उनके विश्वास का एक्सट्रीम टेस्ट लिया गया था। दोस्तों कहानी यह है, मोहम्मद पहाड़ पर होने वाले अनुभव के बारे में डाउट में उलझ गए थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या विश्वास करें, और पहाड़ पे जो कुछ भी हुआ था उसकी पुष्टि करने के लिए किसी भी संकेत का डेस्परेटली यानी पूरी उत्सुकता के साथ वो इंतजार कर रहे थे। 2 साल तक उन्होंने इंतजार किया, अल्लाह चुप थे और मोहम्मद एक अनाथ की तरह जिसके पिता ने उसे छोड़ दिया वैसा एकदम अबैंडन्ड यानी बेसहारे की तरह महसूस कर रहे थे। ये 2 साल उनके जीवन के सबसे डार्केस्ट सालों में से एक बीते। उन्होंने एक्सट्रीम अकेलापन, अवसाद यानी डिप्रेशन, पेन, सफरिंग और डाउट को एक्सपीरियंस किया। कई सैकड़ों वर्ष बाद 16th सेंचुरी में क्रिश्चियन सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस ने डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी आत्मा की अंधेरी रात के रूप में डाउट के ऐसे टाइम पीरियड का उल्लेख किया था जिसमें कहा गया था कि हर संत को ट्रू एनलाइटनमेंट के पाथ पर बहुत कुछ सहना ही चाहिए। और दोस्तों वास्तव में यही मोहम्मद के साथ हुआ। अल्लाह आखिरकार मोहम्मद की आस्था के प्रति अस्वस्थ हुए, क्योंकि मोहम्मद अल्लाह की चुप्पी के बावजूद भी मजबूती से खड़े रहे, और यह फिर अल्लाह के पैगंबरों की गहरी ब्यूटी और मीनिंग को रिवील करता है। दोस्तों इस दूसरे रिवेलेशन में सुरा की सुबह निहित यानी एग्जिस्ट करती है दोस्तों, जिसने मोहम्मद जी को अपने लोगों को इस नए विश्वास को सिखाने में एक प्रॉमिसिंग तरीका दिया। तब से अल्लाह का रिवेलेशन मोहम्मद पर बेस्टोड रहा। इस खुलासे ने प्रकृति को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रकृतिक दुनिया की देखभाल और संरक्षण के लिए ह्यूमैनिटी को निर्देश दिए। उदाहरण के लिए सूरा 91 में अल्लाह मोहम्मद को निर्देश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो पृथ्वी की प्योरिटी बनाए रखने का प्रयास करता है वह धन्य होगा, परंतु जो कोई भी पृथ्वी को भ्रष्ट करेगा वह अंत में बुरा भुगतेगा। अलग अलग अंतरालों पर मोहम्मद को इस तरह की छोटी छोटी विजडम अल्लाह द्वारा बख्शी गई। अल्लाह मोहम्मद पैगम्बर को धैर्य सिखा रहे थे और उसे दोहराने की कोशिश करने से पहले प्रत्येक रिवेलेशन को अपना पूरा आकार लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। अल्लाह मोहम्मद को, जैसे मैंने आपको बताया कि धैर्य का लेसन सिखाना चाह रहे थे, मोहम्मद हर एक विजडम को अच्छी तरीके से अपने अंदर शेप लेने दें इससे पहले कि वो इसे लोगों के सामने रिपीट करे, और इस तरह के पेशेंस के लेसन मोहम्मद को तैयार करने के लिए दिए जा रहे थे जो आगे आने वाली परेशानियों के लिए मोहम्मद को तैयार करे। मोहम्मद के दिव्य संदेश ने उनके अपने कबीलों के भीतर विभाजन किया। मोहम्मद अपने लोगों के लिए एक पैगंबर हो सकते थे, लेकिन वह एक इंट्रोवर्ट थे। वह अवसरों का फायदा उठाकर लोगों के सामने अपनी बात रखने में बहुत रिजर्व थे, परंतु जब अल्लाह ने उन्हें दिव्य शब्द फैलाने के लिए कहा, इस वजह से उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। उन्होंने अपनी पत्नी खदीजा को अपने रिवेलेशंस को सुनाकर शुरुआत करी, जैसा कि हमने आपको बताया था दोस्तों। लेकिन यह सब तब बदल गया जब एंजल यानी स्वर्गदूत गैब्रियल ने मोहम्मद को वापस आकर निर्देश दिए कि उन्हें यह दिव्य विचार अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने चाहिए। मोहम्मद को रोटी, मटन और दूध का खाना बनाना था, फिर उन्हें अपने हाशिम कबीले के सदस्यों को आमंत्रित करना था जो कि कुरैश की एक शाखा थी। जब सब खाने के लिए बैठ जाएं, तो मोहम्मद को उन सबको उस रिवेलेशंस के बारे में बताना था। मोहम्मद ने वैसे ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपने पहले रात्रि भोज के दौरान अपने रिवेलेशंस पहली बार सुनाना चालू किए, तो मोहम्मद के अंकल अबू लाहब अपनी सीट से खड़े होकर चले गए। उस समय हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी का इतना रूड रिफ्यूजल एक बड़ा अपराध था और इसने सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रप्ट कर दिया, जिससे मोहम्मद को अपने रिवेलेशंस के रिसाइटल को रोकना पड़ा। हालांकि वह दृढ़ बने रहे और अगले दिन एक और रात्रि भोज आयोजित किया। इस भोजन पर, जिसमें उनके चाचा शामिल नहीं थे, मोहम्मद ने बिना किसी रुकावट के अपने रिवेलेशंस का जिक्र किया। ऐसा करके उन्होंने वर्ड्स को स्प्रेड करने के लिए पहला कदम उठाया, लेकिन इन अल्लाह के रिवेलेशंस को सभी साइड्स द्वारा अच्छी तरीके से रिसीव नहीं किया गया। इनफैक्ट इन रिवेलेशंस की वजह से उनके मित्रों और परिवार में एक विभाजन की सिचुएशंस आ गई। यहाँ क्या हुआ था, आइए सुनते हैं। अपने रिवेलेशन को पूरा करने पर मोहम्मद ने उन लोगों से कहा
कि वह इस नए विश्वास के बारे में दूसरों को बताने में मोहम्मद की मदद करें। सिर्फ एक व्यक्ति मोहम्मद के चचेरे भाई अली, जो हाशिम कबीले के प्रमुख अबू तालिब का बेटा था, मोहम्मद की सेवा के लिए तैयार हुआ। इसे देखकर मोहम्मद ने अली को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया और अन्य सभी को कहा कि उन्हें अली को ओबे करना चाहिए। समस्या यह थी कि ऐसी आज्ञा ट्राइबल रूल्स यानी आदिवासी नियमों के अगेंस्ट थी। ट्राइबल्स को आदेश में कहा गया था कि बेटे को हमेशा अपने पिता की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए, और इसलिए कबीले के पुराने सदस्यों और हाशिम कबीले के अधिकांश लोगों ने मोहम्मद के आदेश को इनिशियली रिजेक्ट कर दिया। इसलिए सबसे पहले केवल कुछ यंगर सदस्य ही आदेश मानने के लिए तैयार हुए। दोस्तों, मोहम्मद का संदेश पॉलिटिकल बन गया, जिसने मक्का समाज से उनके कबीले का पार्शियल एक्सक्लूजन यानी अपूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि अल्लाह के संदेश प्राप्त करना एक सुखद अनुभव होगा जो आपको जीवन में शक्ति देगा, परंतु मोहम्मद के लिए अल्लाह के वचन को फैलाने की ड्यूटी ने बहुत सारी कठिनाइयां पैदा कर दी। उदाहरण के लिए, जब एक कुरानिक रेवलेशन ने मोहम्मद को लोगों को अल्लाह के वचन के बारे में बताने के निर्देश दिए, तो उन्होंने मक्का के सबसे पवित्र स्थल काबा में प्रचार करना शुरू कर दिया। काबा में प्रचार ने समाज के कई शक्तिशाली लोगों को नाराज कर दिया, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब चीजें राजनीतिक हो गईं। कई नए रेवलेशन में राजनीति पर बात करी गई, करप्शन पर बात करी गई और वेल्थ अक्वायर करने की आलोचना करी गई। गरीब और पीड़ित लोगों का साथ नहीं दिया जाना बार बार बताया गया, और इस वजह से मोहम्मद पैगंबर का संदेश युवा लोगों में बेहद लोकप्रिय होता चला गया। और जिन लोगों ने एग्जिस्टिंग सिस्टम का बहिष्कार कर दिया था, जो लोग अंडर प्रिविलेज थे, मार्जिनलाइज थे, उन्होंने मोहम्मद साहब का बहुत साथ दिया। लेकिन दोस्तों, इन सब ने उन लोगों को भी बहुत नाराज कर दिया जो शहर में सत्ता और पैसे का सुख भोग रहे थे। अंत में मोहम्मद जी के खुलासे के परिणाम स्वरूप उनके कबीले को मक्का के समाज से पार्शियल रूप से निकाल दिया गया। यह तब हुआ जब मक्का के दो सबसे प्रभावशाली कबीलों माखजुम और उमियाद के प्रमुखों ने मोहम्मद के कबीले के प्रमुख अबू तालिब को अपने भतीजे को कबीले से बाहर करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इवन दो अबू तालिब मोहम्मद के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु वह उन्हें बाहर भी नहीं निकालना चाहते थे। इसलिए दो प्रमुख समूहों ने फैसला किया कि अबू तालिब के पूरे कबीले को बाहर कर दिया जाए। इस आदेश के पारित होते ही अन्य सभी ट्राइबल मेंबर्स सदस्यों को हाशिम के साथ व्यापार करने या हाशिम कबीले के सदस्यों और अन्य लोगों के बीच विवाह करने से रोक लगा दी जाती। सौभाग्य से हाशिम के अगेंस्ट सभी कबीलों ने इस बहिष्कार में भाग नहीं लिया। हाशिम ट्राइब के मेंबर्स सैकड़ों वर्षों से अन्य गुटों के लोगों के साथ पहले से ही इंटर मैरिजेस करते आ रहे थे। परिवार के प्रति वफादारी के गहरे बंधन इन आदेशों के सामने जीत गए। यहाँ तक कि उच्चतम मक्का नेताओं से भी वो जीत गए। मोहम्मद को जो बैकिंग चाहिए थी, वह उन्हें मदीना में मिली और उनके समर्थकों ने वहां उनको फॉलो किया। कई लोगों की नाराजगी के बावजूद मोहम्मद मक्का की सड़कों पर उपदेश दे रहे थे। कई ईर्ष्यालु लोगों ने उन पर कचरा तक फेंका और उन्हें जी भरकर कर्ज यानी बद्दुआएं दी। उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद को एहसास हुआ कि वह अपने ही लोगों को परिवर्तित करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें कहीं और से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। अंततः इस तरीके का समर्थन उन्हें मदीना में मिला। यह पारंपरिक हज या मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान हुआ, जब मदीना के 6 तीर्थ यात्रियों ने प्रॉफिट मोहम्मद का उपदेश सड़क पे हो रही एक सभा में सुना। वे उनके विचारों से आश्वस्त हो गए और उन्हें मदीना के लिए आमंत्रित किया, एक कॉन्फ्लिक्ट मीडिएटर के तौर पे, एक संघर्ष मध्यस्थ के तौर पर। अगले वर्ष में मदीना के 72 कबीलों के नेताओं ने प्रॉफिट मोहम्मद के प्रति निष्ठा की शपथ ली और 662 ईस्वी में मदीना परिवारों ने मोहम्मद के कबीले के साथ एक सैन्य बंधन का गठन किया और दुश्मनों के आक्रमण के मामले में एक दूसरे की सहायता के लिए आने का वादा किया। इस संधि के माध्यम से मोहम्मद और उनके अनुयायी मूलतः मदीना की जनजातियों में शामिल हो गए। 622 की गर्मियों में मोहम्मद और उनके अनुयायी मदीना में चले गए, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। आदिवासी लोगों को अपने कबीलों से दूर ले जाना एक बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि ये लोग अपने कबीलों और उस जगहों के साथ दृढ़ता से जुड़े थे जहां वे पैदा हुए थे। इसके अलावा, जब मक्का के लोगों को पता चला कि उनके परिवार के कुछ सदस्य उन्हें छोड़कर मदीना जा रहे थे,
तो वह उनके पीछे आए। उनको कैसे भी करके ढूंढा गया और यहाँ तक कि उनमें से कुछ को मक्का लौटने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि इस तरीके का पलायन अभी तक अनसुना था। उदाहरण के लिए सलामा, जो भविष्य में मोहम्मद की चौथी पत्नी बनने वाली थी, वो भी मक्का से बाहर निकलने वाली थी। जब उनके परिवार ने उसे रोक लिया और उसे और उसके बच्चे को मक्का वापस ले गए, तो उन्होंने इसका बहुत ऑब्जेक्शन किया। और ये बहुत देर तक नहीं रहा कि उसके परिवार ने आखिरकार उसे मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद जी से जुड़ने दिया। जाहिर है, इस मक्का से मदीना के पलायन के कारण जनजातियों के बीच गठित कुछ गहरी दरारें बन गई, जिनको हीलिंग यानी भरने की एक्सेसिव जरूरत थी। तो दोस्तों, आगे आप जानेंगे कि यह हीलिंग कैसे की गई। प्रॉफिट मोहम्मद ने एक तीर्थ यात्रा और एक लड़ाई के माध्यम से मदीना और मक्का को फिर से एक कर दिया। मोहम्मद साहिब के मूवमेंट की वजह से मक्का और मदीना की जनजातियों ने काफी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कोई भी पक्ष अच्छा साबित नहीं हो पाया। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने एक अलग दृष्टिकोण की कोशिश की। उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा के माध्यम से शहरों में यानी मक्का मदीना में पुनर्मिलन करना शुरू किया। इस यात्रा का लक्ष्य मक्का मदीना का एक दूसरे से रिश्ते के मुद्दे पर बल देना था। इसके लिए मोहम्मद साहिब एक साथ अनआर्म्ड यानी निहत्ते फॉलोअर्स अनुयायियों को लेकर एक ग्रुप में मक्का की तरफ निकले। जब मोहम्मद जी और उनके समर्थक मक्का पहुंचे, तो मक्का के लोगों को पता नहीं था कि कैसे उनका जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके नियम के अनुसार तीर्थ यात्रा के रास्ते में बाधा डालने के लिए मना किया गया था। अंत में मक्का और मदीना अगले 10 सालों के लिए सीज फायर यानी पीस शांति के लिए सहमत हुए। इसके अतिरिक्त प्रॉफिट मोहम्मद को अपने अगले पिलग्रिमेज पर एक वर्ष में दोबारा मक्का में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। और अब जनजातियों को मोहम्मद या मक्का के कुरेश नेता में से किसी को भी फॉलो करने की यानी चुनने की इजाजत थी। कई लोगों के लिए यह तीर्थ यात्रा प्रॉफिट मोहम्मद के विश्वास के समर्थन में मोहम्मद साहिब की जीत की और निर्णायक बदलाव का प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। मक्का और मदीना के लिए एक और छोटी लड़ाई की जरूरत पड़ी, जिससे अंततः सारे लोग प्रॉफिट मोहम्मद के शासन में रहने लगे। मोहम्मद जी के तीर्थ यात्रा के वर्ष के दौरान अधिक से अधिक समर्थकों का समर्थन उनको मिलता चला गया, और परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्यों पर स्टेबिलिटी से काम वो करते चले गए। जहाँ तक कि वह कर सकते थे, उन्होंने इस्लाम को फैलाया। यहाँ तक कि युद्ध के माध्यम से भी उन्होंने ऐसा किया। तो जब एक और कबीले जनजाति जो मक्का द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था, उसकी लड़ाई दूसरी कबीले जनजाति जो मदीना द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था कि आपस में लड़ाई हुई, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने अंततः इस मुद्दे को सुलझाने का अवसर अपने हाथ में लिया। उन्होंने 11 जनवरी 630 को अपनी सेना के साथ मक्का पर मार्च किया। चारों दिशाओं से तूफानी तरीके से शहर को अपने कब्जे में ले लिया। मदीना की सेना का कोई वास्तविक प्रतिरोध नहीं हुआ और मक्का अंततः प्रॉफिट मोहम्मद का हो गया। इस क्षेत्र में सभी लोगों की पहचान के साथ प्रॉफिट मोहम्मद एक नया धर्म इस्लाम के नेता बने। तो दोस्तों, फाइनल समरी में इस पुस्तक के प्रमुख संदेश हम आपको फिर से देते हैं। मोहम्मद की कहानी एक तपस्वी संत की सीधी कहानी नहीं है, बल्कि मोहम्मद की यात्रा प्रोफाउंड मानवता में से एक है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक बच्चे के रूप में अनाथ हो गया और अल्लाह के संदेश के कारण अपने लोगों से निर्वासित कर दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो इन कठिनाइयों के बावजूद डटा रहा और अपने विश्वासों का बचाव किया और अंत में एक नए विश्वास की स्थापना की, इस्लाम की स्थापना की। तो दोस्तों, इस बायोग्राफी को आप बार बार सुनिए और मोहम्मद साहिब की जिंदगी से इंस्पिरेशन लीजिए। मेरी यही शुभकामना है कि आप सब चैंपियन बने। धन्यवाद।